हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली अगर हम फ्रिक्शन को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करें तो हम तीन कैटेगरी में फ्रिक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। पहला कैटेगरी क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या है भैया? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स है जब दो सरफेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होती है और उनके बीच में जो फोर्स लगता है। ओके, व्हेन टू सरफेसेस, ओके, टू सरफेसेस रिमेन इन रेस्ट With respect to each other, तो उसको हम क्या कहेंगे? Static friction force कहेंगे। क्या कहेंगे? पहला category static friction force। दूसरा category है limiting friction force। Okay। Third category है kinetic friction force। अब इन तीनों category को हम एक एक करके देखते हैं। इन तीनों category के concept हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, जैसा हमने देखा, पहले आपको लिख लेना है कि डिफरेंट कैटेगरीज क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। और उसमें सबसे फर्स्ट कैटेगरी की हम अभी बात कर रहे हैं, जब दोनों सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में हैं तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। जैसे कि हमने यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम लिया, ठीक है, हम यहाँ पर एक डायग्राम पेस्ट कर देते हैं। आपकी स्क्रीन पर अभी एक डायग्राम आएगा, ठीक है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है ना। हम सबसे फर्स्ट कैटेगरी फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, है ना, तो वो भी हम लिख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट कैटेगरी क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस स्टैटिक फ्रिक्शन को समझने के लिए हमने एक सरफेस लिया, ये सरफेस आपको दिख रहा है, ओके, और इस सरफेस पर हमने ये ब्लॉक रखा है और हम एफ फोर्स इस पर लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ब्लॉक अभी मूव नहीं कर रहा है। मतलब कि इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक स्टेशनरी है। इस ब्लॉक का सरफेस और ग्राउंड दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, रेस्ट में है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर पीछे फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा तो ये तो ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ने लगेगा, पर इस एफ को बैलेंस करने के लिए पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ओके, तो भी ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। मतलब कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, एफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर है, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर है। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको अभी के अभी लिख लेना है। क्या लिख लेना है? कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किसके बराबर होता है? अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है? अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। जैसे एक इंक्लाइन प्लेन का एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, हमने एक इंक्लाइन प्लेन का एग्जाम्पल ले लिया, हमने यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन बना लिया। चलो भैया, एक इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं। यहाँ पर ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, है ना, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। चलो इसको यहाँ ऊपर शिफ्ट कर दो, एक मिनट, ये है हमारा इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसके ऊपर इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। कितना है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? थीटा, है ना, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? थीटा। और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा, अब ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, है ना, ये ब्लॉक एम जो है वो रेस्ट में है। कैसा है? रेस्ट में है, ठीक है। तो इस ब्लॉक पर एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा इस प्लेन के अलोंग, और वो होगा एम जी साइन थीटा। कितना होगा? एम जी साइन थीटा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर कैसे आपने डायरेक्ट एम जी साइन थीटा लिख दिया,
तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पुराने कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है वो ध्यान से समझना पड़ेंगे, तब ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि एम जी साइन थीटा आपने कैसे लिख दिया, क्योंकि एम जी का एक कंपोनेंट है वो। ठीक है, चलो भैया ये समझ में आ गया। यहाँ पर हमने फ्रिक्शन फोर्स की बात की, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगा, यहाँ पर सरफेस के अलॉन्ग फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F, और ये फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स मेरे प्यारे बच्चों स्टेटिक होगा। कैसा होगा, अरे जस्ट अ मिनट, कैसा होगा, स्टेटिक होगा, और स्टेटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, मतलब एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। कितना होगा, एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा, हमने कॉन्सेप्ट देखा फ्रिक्शन फोर्स, स्टेटिक फ्रिक्शन फोर्स व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, देन फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड स्टेटिक फ्रिक्शन फोर्स एंड इट इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ का स्टेटिक फ्रिक्शन फोर्स इस केस में एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। चलो एक और केस देखते हैं। ठीक है, हमको बच्चे कमेंट करके कहते हैं कि सर आप एग्जाम्पल भी करवाइए, आप एग्जाम्पल भी करवाइए कॉन्सेप्ट के साथ में। तो अब वही हम आगे बच्चों की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एक और हम केस देख रहे हैं, हमने इस सरफेस पे ये ब्लॉक रखा, ये ब्लॉक आपको दिख रहा है, और यहाँ पर हमने एक फोर्स इस पर अप्लाई किया। ठीक है, ये फोर्स इस पर अप्लाई किया, चलो हमने पिंक कलर का फोर्स अप्लाई किया। ओके, अब ये जो फोर्स है थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, इस फोर्स को हमने यहाँ शिफ्ट किया, ये जो फोर्स था इसको यहाँ शिफ्ट किया और इसको थीटा डिग्री पर इंक्लाइन कर दिया, है ना, ऐसा थीटा डिग्री पर इंक्लाइन कर दिया। चलो भैया थीटा डिग्री पर इंक्लाइन कर दिया, तो यहाँ पर ये है एंगल थीटा। ओके, अब इस थीटा का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दैट इज एफ कॉस थीटा, ठीक है, वही इसको आगे की तरफ खींच रहा है, पर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है क्योंकि फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, और अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, पर यहाँ पर अप्लाइड फोर्स कौन सा है, एफ कॉस थीटा, जो उसको मूव करवाने की कोशिश कर रहा है। फिर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, सर आपने बताया कि अप्लाइड फोर्स के बराबर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, और यहाँ पर तो अप्लाइड फोर्स एफ है। नहीं बच्चा लोगों, यहाँ पर जो इस फ्रिक्शन के अपोजिट कंपोनेंट है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट देखे, जो आपको डेफिनेटली अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेगा। सेकेंड कैटेगरी हम देख रहे हैं, ओके, सेकेंड कैटेगरी हम देख रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ओके, सेकेंड कैटेगरी हम कौन सा देख रहे हैं, सेकेंड कैटेगरी हम देख रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। वापिस से हमने यहाँ पर सेकेंड कैटेगरी दिए, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। सेकेंड कैटेगरी हम देख रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। अब जरा ध्यान से देखना, फिर से हमारे पास में हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिसमें हमने एक सरफेस लिया, दिख रहा है सरफेस आपको, ये सरफेस, और इसके ऊपर बच्चा लोगों अब हमने एक ब्लॉक रखा, ये ब्लॉक हमने रख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये ब्लॉक इसके ऊपर रख दिया, अब इस ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, इस ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमने F फोर्स लगाया, इस ब्लॉक के ऊपर हम F फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब इस फोर्स को हमने धीरे धीरे इनक्रीज किया, इस ब्लॉक के ऊपर हम F फोर्स लगा रहे हैं, जस्ट अ मिनट, एफ फोर्स हम लगा रहे हैं, एम ब्लॉक है और इस पर एफ फोर्स लगा रहे हैं, और ये फोर्स हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इस एफ फोर्स को इंक्रीज करेंगे और ये ब्लॉक अगर मूव नहीं करेगा, तो यहाँ पीछे लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, पीछे लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, जस्ट अ मिनट,
तो ये जो पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा है ना, यहाँ पर ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एफ पीछे की तरफ, ओके। अप्लाइड फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, या कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, पर अगर इस एफ को हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं तो एक कंडीशन ऐसी होगी जब ये फोर्स, ये ब्लॉक इस सरफेस पर मूव करना स्टार्ट कर देगा, उस कंडीशन पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। बच्चा लोगों, अगर आपको इस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का डेफिनेशन लिखना है तो हम लिखेंगे इफ एफ ग्रेजुअली ग्रेजुअली इंक्रीजेस, ओके, ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड एट अ सर्टन मोमेंट, एट अ सर्टन मोमेंट, सर्टन मोमेंट ब्लॉक स्टार्ट टू मूव, स्टार्ट टू मूव, ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देता है, एक सर्टन मोमेंट पे ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देता है, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम द फ्रिक्शन फोर्स, द फ्रिक्शन फोर्स, वट एवर द फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग इज कॉल्ड, इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। उसको हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे, उसको हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके, उसको हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। और बच्चा लोगों, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान से समझना है कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है। दो सरफेस के बीच में कभी भी फ्रिक्शन फोर्स इस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता, दैट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, दिस मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। किसके प्रोपोर्शनल होता है? नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है या मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, अगर हम प्रोपोर्शनली का साइन हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट आएगा म्यू एस, तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बन गया लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का, म्यू एस इंटू एन। एंड व्हाट इज दिस म्यू एस? दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। क्या कहते हैं इसको? स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ओके। अब यहां पर वापस से आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के लिए यूज होना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट यूज किसके लिए होना चाहिए? स्टैटिक फोर्स के लिए यूज होना चाहिए, पर वहां पर आपने लिखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, जो हमको समझ में आता है क्योंकि मूव नहीं कर रहा है, बॉडी इक्विलिब्रियम में, जितना अप्लाई करेंगे उतना ही अपोज हो रहा है, पर यहाँ पर आपने म्यू एस क्यों लिखा? क्योंकि ये स्टैटिक टू काइनेटिक कंडीशन बता रहा है, ये कंडीशन बता रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो होगा बच्चा लोगों, वो कंडीशन बताएगा कि ये ब्लॉक इस सरफेस पर मूव कर रहा है या नहीं, ओके। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिख लेना है, नोट बनाकर लिख लेना है। क्या नोट बनाकर लिख लेना है? दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, क्या लिखना है? दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज यूज्ड टू चेक द कंडीशन फॉर मोशन, टू चेक द कंडीशन फॉर मोशन, कंडीशन फॉर मोशन, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको कि सर ये तो समझ में नहीं आया, कंडीशन फॉर मोशन का क्या मतलब? तो बच्चा लोगों, यहाँ पर कंडीशन पहला है कि अगर आपका एफ अप्लाइड इस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से छोटा है तो कोई मोशन नहीं होगा, नो मोशन,
ओके, कोई मोशन नहीं होगा, वो ब्लॉक इस पे मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। ओके, और वापस से अगर हम सेकंड कंडीशन देखते हैं, अगर हम सेकंड कंडीशन, जस्ट अ मिनट, सेकंड कंडीशन के लिए हमको इस सरफेस को थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं। चलो भैया, ठीक है। अब हम यहाँ पर सेकंड कंडीशन देखते हैं, अगर आपका एफ अप्लाइड ग्रेटर देन है मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से, तो वो मूव करेगा। ओके, देन ब्लॉक मूव्स ऑन द सरफेस। भैया ये सरफेस पर मूव करेगा। और अब यहाँ पर आपके पास में तीसरा फ्रिक्शन फोर्स काम करने लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब आपके पास में तीसरा फ्रिक्शन फोर्स काम करने लग जाएगा जिसको हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो अब हमारे पास में थर्ड कैटेगरी है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का। किसका? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का। ओके, तो अब आपको तीसरा कैटेगरी क्या लिखना है? तीसरा कैटेगरी लिख लेना है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ओके, आपको वीडियो को पॉज करना है, ये सारी चीज़ें नोट डाउन करना है, ठीक है। जो जो हमने यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट लिखवाए हैं वो सारे आपको लिख देना है, नोट करना है, ताकि जब हम रिवाइज करें तो सारे कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से समझ में आए। और अब हम बात कर रहे हैं किसकी? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स में हमने वापस से सरफेस लिया, ओके, और इसके ऊपर फिर से हमने ब्लॉक रखा, ये ब्लॉक रखा, ठीक है। तो ये अगर ब्लॉक इस सरफेस पर मूव कर रहा है ना, हमने ये जो एफ फोर्स है ये ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगाया, तो पीछे की तरफ, यहाँ पर पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एफ के काम करेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स को कैसे डिफाइन करोगे? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये ब्लॉक एम मास का था, व्हेन ब्लॉक, और हम कह सकते हैं सरफेस मूव विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर, व्हेन टू सरफेस मूव विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर। अगर हम दोनों सरफेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है, then the opposing force between them is called kinetic friction। उसको हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का ये कंडीशन है कि अगर आपने आपका अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा लगाया, तो जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो फ्रिक्शन फोर्स, अब ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अभी काम नहीं करेगा, इट इज़ द थियोरेटिकल पार्ट, इट इज़ ओनली टू चेक द कंडीशन इधर दिस ब्लॉक इज मूविंग और नॉट। Now, if this block is moving, then the kinetic friction force will work. So, kinetic friction force काम करेगा. And this kinetic friction force is directly proportional to, again, normal reaction. And this kinetic friction force is equal to mu k into n. And this mu k is called kinetic friction coefficient. काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशेंट कहेंगे। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशेंट हमेशा म्यू एस से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा, ऑलवेज लेस देन म्यू एस, बिकॉज दिस
लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है जब बॉडी स्टार्ट करने लगेगी। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, बॉडी मूव कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स एंड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज अ कांस्टेंट फोर्स, इट इज अ कांस्टेंट फोर्स, इट इज अ कांस्टेंट फोर्स, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा। आप अप्लाइड फोर्स, बस आपको चेक करना है कि अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है कि नहीं। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है और वो ब्लॉक उस पर मूव कर रहा है तो एक कांस्टेंट फोर्स फिर काम करेगा, अब वो अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स बट द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू के इनटू एन। ओके, अगर इसी कॉन्सेप्ट को हमको ग्राफिकली समझना है, अगर इसी कॉन्सेप्ट को हमको ग्राफिकली समझना है तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आपके पास में लेकर आए हैं, दैट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिक्शन। तो हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसके लिए हम थोड़ा सा आगे मूव कर जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं ग्राफ। ये ग्राफ आपको दिखने लगा होगा और हेडिंग भी आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होगी। इसको हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, तो इस ग्राफ को हमको ध्यान से समझना है। ये ग्राफ जो है वो किसके बीच में है, ये ग्राफ है अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में। ओके, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने एफ अप्लाइड फोर्स लिया हुआ है, ओके, और वाई एक्सिस पे हमने फ्रिक्शन फोर्स लिया है, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स जब तक इस एफ मैक्स के बराबर नहीं हो जाता है, ठीक है, ये एंगल कितना होगा, एंगल होगा 45 डिग्री। इसके पहले पहले, ये ग्राफ थोड़ा सा ध्यान से समझना है, इसके पहले पहले जो फोर्स काम करेगा अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, ये होगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब वो ब्लॉक स्टार्ट करेगा मोशन, मूव करना स्टार्ट करेगा, तो वो फोर्स होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। और जब मोशन स्टार्ट कर देगा तब जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसको हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो ग्राफ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके, ग्राफ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अगर अप्लाइड फोर्स जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है, आगे बढ़ा इधर, ये बढ़ रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करने लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट होगा। इट विल नॉट डिपेंड ऑन द अप्लाइड फोर्स, इट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू के इनटू एन। ओके, तो बच्चा लोगों यहाँ पर ये तीनों कॉन्सेप्ट हमको लिख लेना है कि अगर हम एफ स्टैटिक की बात करें तो वो एफ स्टैटिक कब होगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो अप्लाइड फोर्स है जो उसको मोशन प्रोवाइड कर रहा है, अगर ये अप्लाइड फोर्स छोटा है मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से, तो एफ जो होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा और नो मोशन, मोशन नहीं होगा, ओके, रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अगर अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन है एफ मैक्स के, और एफ मैक्स किसके बराबर होगा, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन के, तो हम पहले म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करेंगे और चेक कर लेंगे। ओके, अगर ये छोटा है, बड़ा है अप्लाइड फोर्स है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा एंड दिस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, और बॉडी मूव करेगी, और बॉडी मूव करेगी। ओके, इसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाए।
और न्यूमेरिकल देखने के लिए हमारे पास सिंपल सा एक क्वेश्चन है, हमारे पास में एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक आपको दिख रहा है ओके, और ये ब्लॉक एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है, ये रफ सरफेस भी शायद आपको दिख रहा होगा ओके। ये ब्लॉक हमने इस सरफेस पे रखा, जस्ट अ मिनट ओके, इस सरफेस पे हमने रखा जिसका मास m है, ध्यान से समझना है आपको, जिसका मास कितना है m, और हम यहाँ पर F फोर्स लगा रहे हैं, हम क्या लगा रहे हैं F फोर्स लगा रहे हैं, और इस सरफेस का, ये जो सरफेस है, इस सरफेस का हमको म्यू एस इक्वल टू 0.6 गिवन है और म्यू के इज इक्वल टू 0.5 गिवन है, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि म्यू के म्यू एस से हमेशा छोटा होगा ओके। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, सॉरी फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ओके, इफ फर्स्ट कंडीशन एफ इक्वल टू, यहाँ पर ये जो m है वो m इज इक्वल टू 10 kg गिवन है ओके, 10 kg गिवन है और f जो है वो 50 न्यूटन का आपने अप्लाई किया है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है f आपने 100 न्यूटन का अप्लाई किया है, दोनों केस में आपको क्या करना है, फाइंड करना है एक्सेलरेशन ओके, दोनों केस में आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट केस हम देखते हैं, सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट केस ओके, और उससे भी पहले हम चेक करने के लिए सबसे पहले हम एफ मैक्स फाइंड करेंगे ओके। दो मिनट आप वीडियो को पॉज कीजिए और याद कीजिए कि एफ मैक्स क्या था, एक एफ मैक्स था म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी इस ब्लॉक पर, अगर हम इस ब्लॉक का एफ वी डी बनाते हैं, ये ब्लॉक जिसका मास m था तो नीचे लगेगा एम जी, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन n, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, एम जी के बराबर होगी ओके। तो एफ मैक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो होगा म्यू एस का वैल्यू कितना गिवन है 0.6, और नॉर्मल रिएक्शन मतलब कि एम जी और एम का वैल्यू कितना है 10, और जी का वैल्यू भी 10 ले लो, मतलब ये आ गया 60 न्यूटन, कितना आ गया 60 न्यूटन। अब फर्स्ट केस देखो दिस एफ अप्लाइड इज लेस देन, एफ अप्लाइड कितना है, एफ अप्लाइड दैट इज इक्वल टू 50 इज लेस देन एफ मैक्स दैट इज इक्वल टू 60, है ना, तो यहाँ पर स्टेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, नो मोशन ओके, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, कितना आएगा आंसर, एक्सेलरेशन 0 आएगा ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो याद रखना है, सेकेंड एफ अप्लाइड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, सेकेंड केस में कितना है 100, विच इज ग्रेटर देन एफ मैक्स, कितना किसके बड़ा किससे बड़ा है 60 से बड़ा है ओके, तो मोशन इज देयर, ब्लॉक विल मूव ठीक है, और ब्लॉक अगर मूव करेगा तो आपका जो फोर्स है एफ दैट इज इक्वल टू 100, और पीछे कौन सा फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पर 60 यूज नहीं करना है, अब आपको काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना पड़ेगा जो कि म्यू के इंटू एन होता है। सो माय डियर स्टूडेंट टोटल कॉन्सेप्ट विल चेंज नाउ ओके, पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, अब यहाँ पर म्यू के का वैल्यू तो 0.5 है और नॉर्मल रिएक्शन 100 है, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन, ये 50 न्यूटन आपका काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आया, तो आप लिखेंगे 100 माइनस
काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब कि 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 10 ए। ओके, तो ए का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हैं कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि कॉन्सेप्ट अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको चेक करना है, और चेक करने के बाद में जो फ्रिक्शन फोर्स आपने काउंट किया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आपने काउंट किया, वो काम नहीं आएगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काम आएगा, क्योंकि वो बॉडी उस पर मूव कर रही है। तो आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का क्या यूज है? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का हमारे पास में यूज है टू चेक द कंडीशन, कंडीशन चेक करने के लिए। ठीक है, अगर आप वीडियो को शांति से देखते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को सिस्टमेटिकली लिखते हैं, तो हमारा ये गारंटी है कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट विथ न्यूमेरिकल कवर की है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने देखा, अलग अलग केसेस हमने देखा, अलग अलग केसेस के अलग अलग न्यूमेरिकल हमने देखे। ओके, तो फ्रिक्शन के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट यहाँ से आपके कवर होने वाले हैं। अब हम इस फ्रिक्शन से रिलेटेड और बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर हमने फोर्स को किसी थीटा एंगल पर अप्लाई किया, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पुल इज़ ईजियर देन पुश। वाई, थैंक यू वेरी मच।